এ থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আছি এখনো রাইট নাও আমি বিআরসি তে আছি, যা পে ইস ফর দ্য চল দ্যাট 10th বিআরসি সামার ডার্টস ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ। বহুত হি আচ্ছা রেসপন্স হর সাল কি তরহ নজর আ রহা হ্যায়। মে বতা দু কি দূসরে সিটিজ সে ভি ইয়াহাঁ পে সব আয়ে হুয়ে পার্টিসিপেট কর রহে হ্যায় ইস ইভেন্ট মে। ওয়েল, হামারে সাথ গুজরাত সে কুছ আয়ে হুয়ে পার্টিসিপেন্টস, উনকে সাথ বাতে হোনে ওয়ালে। ওয়াটস ইওর নেম? মাই নেম ইজ সাচি সুখারিয়া। আপকা নাম? মাই নেম ইজ কাবে প্রজাপতি। মাই নেম ইজ রিবা সলানি। ওয়েলকাম টু কলকাতা, কেসা রহা এক্সপিরিয়েন্স, প্লিজ শেয়ার করো প্লিজ। इधर आके मतलब समझ में आया कि कितना हार्ड वर्क और प्रैक्टिस की जरूरत है, और इधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी को पार्टिसिपेट करते हुए देखा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। 100 out of 100 मैं दूंगा जिस तरह से आप सभी डार्ट खेल रहे हैं। लेकिन डार्ट को क्यों चुना? आपका नाम पहले बताएं। मेरा नाम काव्या है, और डार्ट को इसके लिए चुना क्योंकि वो पहली एक गेम दिखी जो ऐसे बहुत अलग है, उसके अंदर कुछ ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह, मतलब इन द सेंस एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है। मेन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और फोकस रहना है गेम में, इसके लिए चूज करा। बिल्कुल, आप आपका नाम बताएं प्लीज। रीवा सवानी। आप बताओ कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? जैसे कि प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है अगर आपको परफेक्ट बनना है, तो डार्ट की प्रैक्टिस कितनी देर की करती है आप? पहले एवरीडे होता है? हाँ एवरीडे होता है, मेरे घर पे डार्ट बोर्ड है इसीलिए मैं एवरीडे 1 आवर या हाफ आवर करती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैंने स्कूल में डार्ट चुना था, तब ऐसा लगा कि बस बस मैं टाइम पास के लिए ही चुना है, पर बाद में कंपटीशन आपने सीरियसली लिया? हाँ सीरियसली ले लिया। बाद ओके, तो मुझे बताना चाहेंगे आप लोगों के मैचेस क्या हो गए हैं, अभी हो रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। अभी वो यूथ गर्ल्स के हो गए, अभी आज लेडीज वाला कॉम्पिटिशन है, तो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। हाँ ग्रेट, सुपर। तो मुझे बताइए डार्ट जब खेलते हैं सबसे ज्यादा अच्छी बात उसमें क्या लगती है? आपने तो बता दिया कि ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है, आराम से रिलैक्स होके आप डार्ट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मेमोरी शार्प होनी चाहिए। क्या क्या कहेंगे, क्या एक अच्छे डार्ट प्लेयर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? डार्ट में एकदम फोकस रहना चाहिए, और ऐसे हैंड मूवमेंट्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, जहाँ पे मारना है वहाँ पे लगना चाहिए, और स्टांस भी अच्छे से होना चाहिए। क्या बात है। हमने इससे चैंपियनशिप की तो बातें की है, लेकिन आप लोग को सब गुजरात से हमने पाया है, कोलकाता शहर में पाया है। फ्यू वर्ड्स ऑफ सिटी ऑफ जॉय, कैसा लगा कोलकाता? आपने घूमा, कुछ घूमना हुआ है या फिर बीआरसी में ही है? अभी तो बीआरसी में ही है, अभी घूमा नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है बाहर निकलने का। ओके, समय नहीं मिल पा रहा है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता आप पहली बार आई है या इसके पहले भी आ चुकी है? पहली बार आए। ओके, तो अभी तक बाहर निकले नहीं है बिल्कुल? नहीं। हावड़ा ब्रिज तो देखा होगा आपने? हाँ वो आते वक्त देखा था, मतलब वो हम आए थे ना स्टेशन से, तब देखा था टैक्सी में से। ओके, क्या बात है। मुझे एक बात बताइए, प्रैक्टिस जो है वो चल रही है, आप अभी इस वक्त चैंपियनशिप खेल रहे हैं, और आपकी एज इस वक्त ज्यादा नहीं है, आप बहुत अभी आपने शुरुआत की है, क्या इसे आने वाले दिनों में आप चाहेंगे कि इस गेम को आप अपने प्रोफेशनल बना लें? आप इसे खेलना चाहेंगे या रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ऐसा कोई प्लान? आप कहाँ है आपका? मेरा तो ये सपना अभी आप सोच रहे हैं। सपना है आपका? अरे वाह, क्या हो, मुझे यही करना है। बिल्कुल यही करना है। आपका क्या है, आप इसे क्या? मुझे भी करना तो है, फ्यूचर में करना है, और ज्यादा मेहनत करनी है इस तरह की टूर्नामेंट चैंपियनशिप के साथ, और ज्यादा जुड़ना है। इसके पहले भी आप लोगों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, यानी किसी और सिटीज में गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है या फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं? नहीं, मैंने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल ही खेला है अभी तक। जी आपने? ये मैं आप फर्स्ट ईयर, और मैंने भी इसके जैसा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ही खेला है। आपने? क्या बात है। यंगस्टर्स से क्या कहना चाहेंगे जो आपके एज में है, कोई एक गेम जो है वे लेना चाहते हैं? ज्यादातर हमने देखा है कि यंगस्टर्स क्रिकेट की ओर, फुटबॉल की ओर, सॉकर की ओर ज्यादा दौड़ते हैं, लेकिन डार्ट जो है वो इस वक्त और ज्यादा बूम कर रहा है, लोग धीरे धीरे करके और ज्यादा जुड़ रहे हैं। सभी के लिए क्या मैसेज, उन्हें भी जुड़ना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल जुड़ना चाहिए, जिसकी माइंड शार्प हो और मैथमेटिक्स में अच्छा हो। जी मैथ्स बहुत इसमें स्ट्रॉन्ग आपको होनी चाहिए, तभी आप अच्छे एक डार्ट प्लेयर बन सकते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, कुछ कहते हैं? सर आपको चेकआउट याद रखने पड़ते हैं, या तो कुछ एक नए नए बनाने पड़ते हैं आपके लाइक, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा, आपको जैसा कंफर्टेबल हो वैसा। आप कुछ कहेंगे? डार्ट्स की गेम में हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेटजीज है, पर इन स्ट्रेटजीज को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, और अभी बहुत बड़े बड़े सर्स भी है, उनको भी सारी स्ट्रेटजीज नहीं पता है। ओके, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ऑन ए लाइटर नोट लास्ट सवाल ही पूछूंगा, जब आप बर्थडे पार्टीज में जाती हैं चारों ओर बलून्स लगे रहते हैं, तो मन करता है उनको ही फोड़ दें? नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा तो 10 बार में एक बार होगा, आप लोग तो एक बार में सभी बलून फोड़ सकते हैं। अच्छा हाँ, हम कर लेंगे, दांत को शार्प करके बस मार दो। क्या बात है, बिल्कुल कर लेंगे। किया कभी?
नहीं कभी गुस्सा आता है कभी किसी पे, तो किसी को मुझे ऐसा लगता है कि किसी पे डांट बिल्कुल गुस्सा आता है लेकिन वैसा करना नहीं है, गुस्सा को कंट्रोल करना है क्योंकि डांट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बातें करके। मैं चाहूंगा कि आज जो लेडीज चैंपियनशिप भी होने वाली है, जो कैटेगरी में आज जो मैचेस होने वाली है, आप ही जीते। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल आज ही राइट नाउ बीआरसी से जगह चलते 10th बीआरसी समर डार्ट्स ओपन चैंपियनशिप, जिसके रेडियो पार्टनर है 91.9 फ्रेंड्स एफएम फ्रीक्वेंसी, फ्रेंड्स की बैक स्टूडियो।